नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रुप। और आज मैं लेकर के आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमएस ऑफिस। आज हम एमएस ऑफिस के शॉर्टकट कीज और एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। इसके अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पीपीटी के अलावा और भी चीज़ें आती हैं जो आप लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही हमें ये जानना चाहिए कि हम इसको कैसे एमएस ऑफिस को कैसे खोल सकते हैं कंप्यूटर पे। तो इसके दो बेसिक तरीके हैं। पहला है, एक तो मेन्यू में जाकर के ऑल प्रोग्राम से क्लिक कीजिए, उसके बाद एमएस ऑफिस, और वहाँ से फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, एमएस एक्सेस कुछ भी आप खोल सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है, वो है कि विंडोज़ और आर एक साथ दबाइए, उसके बाद अगर आपको एमएस वर्ड खोलना है तो टाइप कीजिए विन वर्ड, अगर आपको एम एस एक्सेल खोलना है तो टाइप कीजिए एक्सेल, अगर आपको पावर पॉइंट खोलना है तो टाइप कीजिए पावर पॉइंट। चलिए इसको करके देखते हैं। तो ये मैंने विंडोज़ आर प्रेस किया, ये देखिए आपका आ गया। अगर आपको पावर पॉइंट खोलना है तो पी ओ डब्ल्यू ई आर पी एन टी डाल के प्रेस करना है, ये देखिए पावर पॉइंट खुल गया। अगर आपको वर्ड खोलना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको विन वर्ड, WINWORD। ये देखिए एमएस वर्ड खुल गया। अगर आपको एमएस एक्सेल खोलना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेल, EXCEL। ये देखिए Excel.exe, और ये देखिए आपका खुल जाएगा एमएस एक्सेल। देखिए अब जानते हैं कि कोई भी फाइल को हम कैसे पहचानेंगे कि वो एम एस एक्सेल का है या फिर वर्ड का है या पीपीटी का या फिर किसी और का है। तो देखिए 2003 तक एम एस वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल था वो था .doc, एम एस एक्सेल का था .xls और एम एस पावर पॉइंट का था .ppt। लेकिन 2007 से लेकर के अब तक जो हुआ है चेंज वो है एक्स ऐड हो गया है, जैसे कि अब एम एस एक्सेल का हो जाएगा XLSX, पावर पॉइंट का हो जाएगा PPTX और एम एस वर्ड का हो जाएगा DOCX। अब देखते हैं वही शॉर्टकट्स जो एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट और एम एस वर्ड तीनों में अप्लाई होंगे। तो जैसे अगर किसी पूरे हर एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल के लिए होगा Ctrl+A, कॉपी करना है तो Ctrl+C, कट करना है तो Ctrl+X, पेस्ट करना है तो Ctrl+V, लेकिन अगर प्रिंट करना है तो वो होगा Ctrl+P, अगर कोई नया फाइल खोलना है तो वो Ctrl+N होगा, और अगर उसको कोई भी फाइल ओपन करना है तो Ctrl+O होगा, और किसी फाइल को सेव करना है जो कि पहले से ओपन है तो होगा Ctrl+S, लेकिन अगर कोई न्यू फाइल को सेव करना है तो होगा F12। अब आता है एमएस वर्ड के स्पेसिफिक शॉर्टकट की। तो देखिए फॉन्ट को अगर हमको चेंज करना है तो Ctrl+D है या फिर Ctrl+Shift और F। अगर फॉन्ट को बढ़ाना या घटाना है तो कंट्रोल के साथ ये सिंबल आप लगा सकते हैं। अगर फॉन्ट को साइज को आगे या पीछे करना है तो Ctrl+Shift और ये एरो दे सकते हैं। अब देखते हैं एमएस वर्ड में कोई वर्ड को अगर फाइंड करना है तो होगा Ctrl+F, किसी वर्ड को अगर रिप्लेस करना है तो Ctrl+H, और किसी वर्ड के पार्टिकुलर लोकेशन पे जाना है या पार्टिकुलर लाइन पे जाना है तो वो होगा Ctrl+G। चलिए कुछ और शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। सेव एज F12, बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक्स Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U, क्लोज करेंट टैब या फाइल Ctrl+W, एग्जिट का Alt+F4 और प्रिंट प्रीव्यू का Ctrl+F2। आगे देखते हैं लेफ्ट अलाइन Ctrl+L, राइट अलाइन Ctrl+R, सेंटर अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J, हाइपर लिंक Ctrl+K, रिप्लेस Ctrl+H, गो टू Ctrl+G और फॉन्ट Ctrl+D या फिर Ctrl+Shift और F। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं वो एम एस वर्ड से ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कुछ और एम एस वर्ड के शॉर्टकट जो कि है स्प्लिट Ctrl+Alt और S, फाइंड Ctrl+F,
करेंट डेट अगर इंसर्ट करना है एमएस वर्ड में तो शिफ्ट अल्ट और डी, करेंट टाइम को इंसर्ट करना है तो शिफ्ट अल्ट और टी, अगर सुपर स्क्रिप्ट करना है मतलब कोई भी लेटर को बड़ा करना है, स्मॉल लेटर से बड़ा कैपिटल लेटर करना है तो होगा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस, अगर छोटा लेटर करना है कैपिटल से स्मॉल करना है तो वो होगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और अगर फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है तो होगा कंट्रोल प्लस ये सिंबल, और फॉन्ट के साइज को घटाना है तो कंट्रोल प्लस ये सिंबल। दोस्तों ये एम एस वर्ड का कुछ और शॉर्टकट कीज है, आइए इनको भी देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सेव को बता दिया, अगर कोई पहले से ओपन फाइल है तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, लेकिन नया फाइल है तो शिफ्ट प्लस F12 या फिर F12। प्रिंट के लिए पता है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2, स्पेलिंग चेक करना है F7, कट ये देखिए, अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, हेल्प के लिए कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंसर्ट डेट इंसर्ट करेंट टाइम, ये फॉन्ट से रिलेटेड है शॉर्टकट, आप इनको देख लीजिए। तो आइए अब देखते हैं एम एस एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। उसके पहले बता दें कि एम एस एक्सेल का जो इस्तेमाल होता है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो बजट मेकिंग में काम आता है, बजट बनाने में काम आता है। तो इसका मेन जो शॉर्टकट्स है वो देख लेते हैं। देखिए किसी भी सिलेक्टेड सेल को एडिट करना है तो F2, अगर चार्ट क्रिएट करना है F11, अगर करेंट डेट को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस और ये सेमी कॉलन का साइन, करेंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस और ये साइन, अगर किसी इंसर्ट फंक्शन को ओपन करना है तो होगा शिफ्ट और F3, अगर किसी एम एस एक्सेल के फाइल को मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10, अगर मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9, अगर पूरे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो स्पेस प्लस कॉलम, याद कैसे रखेंगे, स्पेस तो होगा ही साथ में अगर कॉलम है तो कंट्रोल होगा, अगर रो है तो शिफ्ट होगा। और ये एम एस एक्सेल के और भी जो बचे हुए शॉर्टकट कीज हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं F11 क्रिएट चार्ट, ये मैंने बता ही दिया है, कंट्रोल प्लस ए से सारे कंटेंट ऑफ द वर्कशीट को जितने भी वर्कशीट के कंटेंट है सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक को इंसर्ट करना, कंट्रोल प्लस फाइव से स्ट्राइक थ्रू हाइलाइटेड सेक्शन, जो भी हाइलाइटेड सेक्शन है उसको स्ट्राइक करना कंट्रोल प्लस फाइव से, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू द लास्ट सेक्शन लास्ट एक्शन, कंट्रोल प्लस F9 से मिनिमाइज F10 से मैक्सिमाइज। देखिए पेज अप का भी ऑप्शन है, पेज डाउन का भी है, कंट्रोल प्लस टैब मतलब दो एक्सेल अगर ओपन है उसके बीच में फ्लिप फ्लॉप करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब है, और ये बाकी चीज़ें हैं शॉर्टकट आप देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज और उसके डिस्क्रिप्शन को। तो सबसे पहला है F5, उसका मतलब होता है कि स्लाइड को शुरू करना, फिर आप देख सकते हैं एस्केप से स्लाइड शो को बंद करना होता है, कंट्रोल प्लस ए सारे आइटम जितने भी होते हैं उनको सिलेक्ट करना, बी से बोल्ड करना, डी से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को करना, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स, कंट्रोल प्लस एम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस एम ये होता है एक न्यू पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, लेकिन कंट्रोल प्लस एन जो होता है एक जो पहले से ही स्लाइड ओपन है उसमें एक नया ब्लैंक अगर आप स्लाइड ओपन लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ए किसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस टी फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए। दोस्तों एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है एम एस एक्सेस, कभी कभी इसके बारे में भी शॉर्टकट कीज के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आइए इनको भी देख लिया जाए जो कि इस प्रकार है, कंट्रोल प्लस एन क्रिएट न्यू डेटाबेस, अल्ट प्लस एन क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट और डिलीट से
डिलीट हो जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।